अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं मटन कढ़ाई। उसके लिए हमने प्याज जो है दो मीडियम वो लेके 2 कप ऑयल में इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे और उसमें मटन 1 kg ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर बाकी चीज़ें भी हम ऐड करेंगे। एक साथ सारी चीज़ें तकरीबन ऐड करेंगे और फिर इसको दम लगा के पकाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी मटन कढ़ाई बनेगी आज। अदरक लहसुन का पेस्ट है जी, ये ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून और इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई कर लें या मिक्स कर लें। बस इसको इतना सबस कर लें कि मिक्स कर लें, पकेगा तो ये दम में बाद में। इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेते हैं हम। अब इसमें ये तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं स्लाइस कटे हुए, ये भी हम ऐड करेंगे। नमक ऐड कर देते हैं 1 टेबल स्पून। हल्दी 1/2 से भी थोड़ी सी कम हमने डाली है, ये ऐड कर दी हमने। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। मिर्च जो है यहाँ पे हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो मसाला बना के रखा हुआ है कढ़ाई मसाला, उसमें हमने मिर्च रखी हुई है डाल के। इसको हम ढक्कन लगा के तकरीबन 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये देखिए जी, 15 मिनट बाद आपको दिखाते हैं लो फ्लेम पे। अभी इसका कच्चापन बाकी है इसलिए इसमें हम पानी ऐड करेंगे। 2 से 3 गिलास पानी आप ऐड करें और इसको दोबारा से आप इस तरह ढक्कन लगा दें और 40 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे आप इसको। बिल्कुल हल्की आंच पे पकाएंगे। ये देखें जी, 40 मिनट के बाद ये हम देखते हैं ये हमारा जो मसाला है वो तकरीबन गल गया, इसलिए मैं हम दही ऐड करेंगे इसमें। अब हम ये 1/2 कप दही हमने इसमें ऐड कर दिया है और 5-6 मिनट के लिए तकरीबन हम इसको जो फुल फ्लेम है ना उस पर पकाएँगे, तकरीबन हाई फ्लेम पे पकाएंगे अब इसको हम ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और अब इसमें हम ये मसाला ऐड करेंगे। कढ़ाई मसाला पैकेट वाला ले लिया था और उसमें हरी रेड मिर्च डाल ली थी मैंने, और ये अदरक के स्लाइसेस जो हैं ये भी काट के डाले और हरी मिर्चें भी छोटे छोटे स्लाइस काट के हमने डाल दिए। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए हल्की आँच पर पकाएँगे इसको। ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई तैयार हो रही है। ये कसूरी मेथी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ये तकरीबन हमारी कढ़ाई डन होने वाली हो जब उस वक्त ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप ना ऐड करें, लेकिन हमें इसका टेस्ट अच्छा लगता है तो मैं तो ऐड करूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा से पकाएँगे और ये आलमोस्ट हमारी कढ़ाई रेडी है, आलमोस्ट। इसको थोड़ी सी जो है हम इसमें धनिया गार्निशिंग के लिए डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त किस्म की हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है। इसको हम गार्निश करके भी आपको दिखाएंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। टेक केयर, बाय बाय।